प्रिय संस्कृत मित्राणी नमः संस्कृताय। संस्कृत देवाणी गंगा चैनल पर किरातार्जुनीयम के श्लोकों का व्याख्या और वाचन चल रहा है। इसके पहले तक हमने किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का प्रथम श्लोक की व्याख्या की गई और आज हम दूसरे श्लोक की व्याख्या करेंगे। तो आइए आप हमारे साथ वाचन कीजिए। श्रेय है करोड़ां देपस्य पालनीं प्रजा सुवृत्तिं यमयोक्त वेदितुं सवर्णलिंगे विदितः शमाययो युधिष्ठिरं द्वैत बने बने चर कृत प्रणामाश महि महि भुजे जितां सपत्ने न निवेदयिष्यत न बिभ्यते तस्य मनो न हि प्रियं प्रवक्तुमिच्छन्ति मिषाहितैषिण न बिभ्यते तस्य मनो न हि प्रियं प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषाहितैषिण। तो इसके पहले तक हमने श्लोकों में पढ़ा कि वनेचर जब द्वैत वन में लौटा तो इसकी सूचना दी गई। वनेचर लौटा कहाँ? द्वैत वन में लौटा। ये भारवी जी लिख रहे हैं वनेचर पहले द्वैत वन में युधिष्ठिर के पास लौटा। अब अगले श्लोक में क्या बताएंगे इसकी व्याख्या इस श्लोक के माध्यम से है कि हितैषिण इच्छन्त हितैषी लोग चाहते हैं। इच्छन्त ईश धातु है चाहने के अर्थ में, तो हितैषी लोग चाहते हैं। तो आखिर हितैषी लोग चाहते क्या है? हितैषिण है प्रवक्तुम इच्छन्त हितैषी लोग बोलना चाहते हैं। जैसे पातुम प्रवक्तुम में तुमुन प्रत्यय लगा है तो हो जाएगा प्रवक्तुम बोलने की इच्छा, पातुम पीने की इच्छा, जेतुम जीतने की इच्छा, उसी तरह प्रवक्तुम बोलने की इच्छा। तो हितैषी लोग बोलना चाहते हैं। क्या बोलना चाहते हैं? तो हितैषिण प्रवक्तुम इच्छन्ति हितैषी लोग बोलना चाहते हैं। ऊपर की लाइन से न ले लीजिए और नीचे मृषा दिया है। हितैषिण प्रवक्तुम मृषा न इच्छन्ति हितैषी लोग झूठ बोलना नहीं चाहते हैं। और क्यों झूठ बोलना नहीं चाहते? तो यह ऊपर की लाइनों में दिया गया है, यह ऊपर की लाइनों में दिया गया। तो नीचे से इसका न बन जाएगा हितैषिण है प्रवक्तुम मृषा न हि प्रियम इच्छन्ति हितैषी लोग झूठा प्रिय बोलना नहीं चाहते हैं। तो हितैषी लोग जब झूठा प्रिय नहीं बोलना चाहते तो बोलना क्या चाहते हैं? और एक बात और बता दें, भार्गव जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि झूठ जो होता है वह प्रिय होता ही है। जब वह झूठा प्रिय नहीं बोलेंगे तो यहाँ पर लक्षणा अर्थ हो गया। आखिर वह वनेचर बोलेगा क्या? वनेचर स्वयं को हितैषी बता रहा है कि महाराज मैं आपका हितकर हूँ, मैं आपका हित चाहने वाला हूँ, इसीलिए मैं आपसे जो भी बात कहूँगा चाहे वह बात आपके पक्ष में हो या आपके पक्ष में ना हो, लेकिन मैं कभी भी आपको झूठा प्रिय नहीं बोलूँगा। झूठ प्रिय होता ही है और सच कड़वा होता है। इससे क्लियर हो गया कि वनेचर जो भी बोलेगा चाहे वह बात कड़वी होगी, चाहे राजा के युधिष्ठिर के कानों को सुनने में तकलीफ होगी, लेकिन वनेचर सच ही और कड़वा सच ही बोलेगा। अब ऊपर की लाइनों में दिया है कृत प्रणामाश महि महि भुजे जेताम सपत्नेन निवेदयिष्यत। तो कृत प्रणामाश जितने जिसने पहले प्रणाम कर लिया है, अर्थात वह वनेचर आया सबसे पहले राजा युधिष्ठिर को क्या किया? प्रणाम किया। तो काव्य हम क्यों पढ़ते हैं? काव्य का प्रयोजन क्या है? तो लिखा गया है काव्यम यशसे काव्य से यश की प्राप्ति होती है, काव्यम अर्थकृते
काव्य से धन की प्राप्ति होती है, काव्यम व्यवहार विदे, काव्य से व्यवहार ज्ञान मिलता है। भारवी जी ने भी एक व्यवहार ज्ञान दे दिया, किसी श्रेष्ठ पुरुष के पास जाओ तो सबसे पहले प्रणाम करो, कृत प्रणाम मही मही भुजे। तो सबसे पहले भार उस बनेचर ने क्या किया, उस राजा युधिष्ठिर को प्रणाम किया। जब उस राजा युधिष्ठिर को प्रणाम कर लिया तो उसके बाद उन्होंने निवेदन किया कि महाराज मैं आपसे झूठा प्रिय नहीं बोलूँगा, जो वहाँ की स्थिति है सब सही सही बताऊँगा। शायद कुछ बातें सुनकर आपको दुखी होंगे, कुछ बातें आपके पक्ष में होंगी और कुछ बातें आपके विपक्ष में होंगी, तो इसीलिए मैं आपसे सच सच कहूँगा, क्योंकि हितैषी लोग कभी भी झूठा प्रिय नहीं बोलना चाहते। तो यहाँ दिया गया है, कृत प्रणाम मही मही भुजे, जेताम सपत्ने न निवेदयिष्यत। तो जिसने पहले प्रणाम कर लिया है और उसके बाद जीताम सपत्ने, जिसके द्वारा पृथ्वी को, सपत्ने माने होता है शत्रु, तो शत्रुओं के द्वारा जीता माने जीती गई, मही माने पृथ्वी को, तो शत्रुओं के द्वारा किसकी पृथ्वी को या किसके राज्य को जीता गया, तो यहाँ सपत्नेन से क्या अर्थ हुआ, दुर्योधन। सपत्नेन से क्या अर्थ हुआ कि वह राजा दुर्योधन के द्वारा जीती गई पृथ्वी के बारे में मही भुजे, चतुर्थी का एक वचन है, तो मही भुजे से युधिष्ठिर को बोध हो रहा है, मैं बुधे से युधिष्ठिर का बोध हो रहा है कि मैं उस राजा दुर्योधन के द्वारा जीती गई पृथ्वी के बारे में मैं आपसे कुछ कहूँगा। तो मही बुधे अर्थात उस राजा दुर्योधन से वह बनेचर बोला। अब क्या बोला, तो नीचे की लाइनों में दिया गया कि महाराज मैं आपसे कभी भी झूठा प्रिय नहीं बोलूँगा। तो यहाँ पर दो बातें हो गई कि काव्य पढ़ने से हमें यश की प्राप्ति होती है, अर्थ की प्राप्ति होती है और व्यवहार ज्ञान मिलता है। तो काव्यम यश से अर्थ कृते व्यवहार विदे, तो यह जो है काव्य प्रकाश की लाइन है। तो काव्य का यह लक्षण दिया है कि काव्य हम क्यों पढ़ें, तो यहाँ पर भी यही बात होती है कि आखिर ये सब जो हम लोग काव्य किरात अर्जुनियम का पढ़ते हैं ये हमारे जीवन में उपयोग क्या देता है। हमने कहा कि जब वह बनेचर युधिष्ठिर के पास लौटा तो सबसे पहले उन्होंने प्रणाम किया, इससे एक सीख मिल गए, किसी गुरुजन बिंदु के पास, किसी श्रेष्ठ व्यक्ति के पास यदि जाते हैं तो सबसे पहले हमें प्रणाम करना चाहिए। और उसके बाद जब वह बनेचर प्रणाम कर लिया तो शत्रु विषयक या शत्रुओं के द्वारा जो पृथ्वी जीती गई थी उसकी सारी जानकारी वह राजा युधिष्ठिर को बताया। अब आगे क्या क्या बताया वह आगे के श्लोकों में मिलेगा, लेकिन यहाँ पर दो बातें मिल गई कि महाराज मैं कभी भी ऐसा झूठ नहीं बोलूँगा कि जो आपको प्रिय लगे। झूठ प्रिय होता ही है, इसीलिए सच को लोग कहते हैं कड़वा होता है। तो यहाँ पर क्लियर हो गया बनेचर इस पद के माध्यम से कि यहाँ पर वह हमेशा सच का ही साथ देगा, चाहे वह बात राजा युधिष्ठिर को बुरी लगे या अच्छी लगे, लेकिन सच है तो मैं सच ही कहूँगा। तो यह श्लोक का भाव रहा, शत्रुओं के द्वारा जीती गई पृथ्वी को अर्थात उस दुर्योधन के द्वारा जीती गई पृथ्वी को राजा युधिष्ठिर से उन्होंने निवेदित किया अर्थात उसके बारे में बताया। और क्यों बताया, नीचे लिखा है कि उसका थोड़ा सा भी जो मन है व्यथित नहीं हुआ। व्यथित क्यों नहीं हुआ, इसलिए पहले बता दिया कि महाराज यदि मैं हितैषी नहीं होता, तो यदि मैं हितैषी हूँ तो इसीलिए मेरा मन व्यथित नहीं हुआ, क्योंकि मैं सच बोलूँगा, चाहे वह बात आपको कड़वी लगे चाहे वह आपको श्रेयस्कर न लगे, लेकिन जो बोलूँगा वह हमेशा सच बोलूँगा। तो इस श्लोक का यह भावार्थ रहा
आप हमारे साथ वाचन कीजिए। कृत प्रणाम महे महि भुजे जेताम सपत्ने न निवेदयिष्यत न बिभ्यथेत मनो नहि प्रियम् प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणः। तो यह हमारा श्लोक रहा। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तो बस आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय। शुभ संध्या, शुभ रात्रि।